हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएम नॉलेज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दूसरे की लाइव लोकेशन कैसे आप देख सकते हो सिर्फ एक मैसेज भेजकर। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आप इसके जिम्मेदार हो, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिए, 100% वर्किंग वीडियो है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद एक बेल आइकॉन आएगा उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी यूजफुल और 100% वर्किंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिसकी भी आप लोकेशन देखना चाहते हो अपने फ़ोन में, उसका फ़ोन आपको 2 मिनट के लिए लेना पड़ेगा, तभी ये ट्रिक वर्क करेगी। यहाँ पर जो भी विक्टिम है उसका फ़ोन आप ले लीजिए और उसके फ़ोन में आपको एक छोटी सी ऐप इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ब्लैक वाला फ़ोन है वो मेरा फ़ोन है और जो वाइट वाला फ़ोन है वो विक्टिम का फ़ोन है, यानी जिसकी मैं लोकेशन देखना चाहता हूँ। तो आप विक्टिम के फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल करिए जिसका नाम है ट्रैक माई फ़ोन। आपको यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन करना है और प्ले स्टोर के सर्च बार में टाइप करना है ट्रैक माई फ़ोन यूजिंग चैट। जैसे आप टाइप करके सर्च करोगे यहाँ पर देखिए 3rd नंबर पर ऐप आ चुकी है। यहाँ पर आप देख लीजिए इस ऐप का आइकॉन इस प्रकार से है, आपको यही ऐप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको इसे यहाँ से ओपन करना है। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करोगे तो जो भी यहाँ पर परमिशन मांगी जाए यहाँ पर आप एक्सेप्ट कर दीजिए ताकि लोकेशन ऐप अच्छे से दे सके। तो यहाँ पर देखिए जो भी परमिशन मांग रहा है मैं परमिशन अलाउ कर दे रहा हूँ। उसके बाद सेटिंग में जाके आपको यह भी परमिशन ऑन कर देना है और फिर बैक आना है। बैक आने के बाद अब यहाँ पर आप आसानी से जो भी लोकेशन है आप आसानी से अपने फ़ोन से देख सकते हो। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर एग्जिट कर देना है ऐप से और एग्जिट आने के बाद यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर होम स्क्रीन पर चले आइए और यहाँ पर इस ऐप को आपको कहीं भी इस तरीके से हाइड कर देना है। कोई ना कोई ऐप जरूर होगा जिसे विक्टिम कम इस्तेमाल करता है, उसी ऐप में आपको इसे इस तरीके से छुपा देना है ताकि उसकी नज़र इस ऐप पर ना पड़े। एक और सेटिंग करनी होगी आपको विक्टिम के फ़ोन में ताकि विक्टिम को पता ना चल पाए कि आपने उसके फ़ोन में कोई ऐप इंस्टॉल करा है। तो उसके लिए आप सेटिंग ओपन करिए। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है। हर मोबाइल में एक सेटिंग होती है जिसका नाम है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऐप नोटिफिकेशन में आप चले जाइए। यहाँ पर आपको सभी ऐप का जो लोगो है देखने को मिल जाएगा। तो सबसे नीचे आइए, यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रैक माई फ़ोन यूजिंग चैट मैसेज। आपको इसे सर्च करके ओपन कर लेना है। अब सबसे ऊपर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा शो नोटिफिकेशन का, आपको इसे बंद कर देना है। बंद करने के बाद जो भी नोटिफिकेशन मिलेगा इस ऐप द्वारा यह सब नहीं दिखाया जाएगा विक्टिम को। इस सेटिंग को अगर आप ऑफ कर देते हो तो विक्टिम को पता नहीं चल पाएगा कि आपने उसके फ़ोन में कोई ऐप इंस्टॉल करा है। तो बस अब आपका काम हो गया। अब मैं आपको कमांड बता देता हूं कि आपको सेंड करना है, तब आपके पास लोकेशन आ जाएगी। लोकेशन के साथ साथ बहुत कुछ आपको यहां पर मिल जाएगा विक्टिम के फ़ोन का। अब आपको विक्टिम का फ़ोन वापस लौटा देना है। अब आप आसानी से उसकी लाइव लोकेशन या सब आसानी से अपने फ़ोन पर देख सकते हो। मैं आपको बता दूं आप उसके फ़ोन का क्या क्या देख सकते हो सिर्फ मैसेज सेंड करके व्हाट्सएप पर। यहाँ पर देखिए आप उसकी लाइव लोकेशन देख सकते हो। आप उसके फ़ोन में सायरन बजवा सकते हो, सिर्फ एक मैसेज आप यहाँ से सेंड करोगे उसके फ़ोन में सायरन बजना स्टार्ट हो जाएगा। आप उस फ़ोन को वाइब्रेट करवा सकते हो, साथ ही में आप उसका बैटरी परसेंटेज अपने फ़ोन में देख सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप उस फ़ोन की टॉर्च लाइट को ऑन करना चाहते हो तो जब चाहे तब आप उस फ़ोन की टॉर्च लाइट भी ऑन करवा सकते हो। बस यहाँ पर कंडीशन ये है कि उसका इंटरनेट ऑन होना चाहिए तभी मैसेज वहाँ पर पहुँचेगा, इसलिए उसका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। यहाँ से मैसेज आप लिखोगे तुरंत आपको लोकेशन पता चल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अगर आप लोकेशन जानना चाहते हो तो यहाँ पर सबसे पहले आप यल कैपिटल लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ पर आपको लोकेशन टाइप कर देना है। अब यहाँ पर स्पेस दे दीजिए, यहाँ पर आपको टाइप करना है 1234। अब इस तरीके से आपको इसे सेंड कर देना है। जैसे आप सेंड करोगे उधर से लोकेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप सायरन बजवाना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए सायरन लिख दीजिए। सायरन लिखने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है 1234 और इसे सेंड कर देना है। जैसे आप सेंड करोगे सामने वाले फ़ोन में सायरन बजना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि सामने वाले फ़ोन वाइब्रेट करे तो यहाँ पर आपको टाइप करना है VIBRAT वाइब्रेट। वाइब्रेट टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है 1234 और जैसे आप इसे सेंड कर दोगे सामने वाला फ़ोन वाइब्रेट होने लगेगा। तो अभी सामने वाले फ़ोन का इंटरनेट कनेक्शन ऑन नहीं था इसलिए मैसेज उधर से नहीं आया, बट मैं फिर से आपको सेंड करके दिखा देता हूँ लोकेशन वाला। यहाँ पर देखिए मैंने सेंड कर दिया और उधर से लोकेशन आ चुकी है। अब जो भी कमांड है मैं यहाँ पर सभी कमांड बता देता हूँ आपको, मतलब क्या मैसेज आपको सेंड करना है तब उधर से लोकेशन आएगी, क्या मैसेज सेंड करने पर आपको सायरन बजेगा सामने वाले फ़ोन में, सब कुछ आप स्क्रीन पर देख सकते हो लिखा गया है। लोकेशन के लिए आपको लोकेशन 1234 लिखना है, सायरन के लिए सायरन 1234, वाइब्रेट करने के लिए वाइब्रेट 1234 और टॉर्च के लिए टॉर्च 1234, सब आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। यही सब मैसेज सेंड करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लोकेशन लिख के भेजा और यहाँ से लोकेशन आ चुकी है। अब जो भी लिंक आ रही है आप उस पर क्लिक करिए। क्लिक करते यहाँ पर जो भी लाइव लोकेशन है सामने वाले बंदे की जिसके फ़ोन में भी आपने ऐप इंस्टॉल करा है उसकी लोकेशन यहाँ पर आपको दिखा दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके का आइकॉन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो सेटेलाइट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो सेटेलाइट व्यू में भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लाइव लोकेशन देख सकते हो। अगर आप टॉर्च
चलाना चाहते हो तो टॉर्च का भी कमांड आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। तो इस तरीके से सब कुछ आप कर सकते हो। अगर यहाँ पर कुछ भी वर्क ना करे तो आप फिर से ट्राई करो, ज़रूर वर्क करता है, मैंने कई बार करके देखा है, 100% वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप सामने वाले की लाइव लोकेशन देख सकते हो, सिर्फ एक मैसेज भेजकर। बताए हुए स्टेप को आप फॉलो करोगे तो आप भी आसानी से ये सब कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी कमांड था, जो भी मैसेज भेजना था स्क्रीन पर आपने देखा है, तो उसी तरीके से आपको मैसेज सेंड कर देना है। सामने वाले की लोकेशन आ जाएगी, उसका फ़ोन वाइब्रेट होने लगेगा, साइलेंस बजने लगेगा, मतलब जो भी आप करवाना चाहते हो आप आसानी से करवा सकते हो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।